भाइयों, मैं हूँ अनी अंगवार। आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज अपने सामने खड़ी हुई है भाई टाटा टियागोर। टियागोर का सीएनजी वेरिएंट खड़ा हुआ है। अगर इस कार की फ्रंट से बात करते हैं भाई, तो इसकी विड्थ भाई सेम 1677 mm हमें देखने के लिए मिल जाती है। भाई अगर मैं इसके डीआरएल्स की बात करता हूँ भाई, इसमें हमें कोई भी डीआरएल देखने के लिए नहीं मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पर हमें ग्लॉसी ब्लैक पोर्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, बाकी फॉग लैंप यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हेडलाइट्स की बात करते हैं, नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट हमें देखने के लिए मिल जाती है। भाई हेलोजन में इंडिकेटर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी जो बहुत बढ़िया सीन रहता है ना यहाँ पर, तो आपको एक क्रोम पट्टी पूरा ही आपको क्रॉस यहाँ पर पूरा सामने से मिल जाती है। बाकी ग्लॉसी ब्लैक में हमें यहाँ पर इसकी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। तो फ्रंट से कुछ इस तरह का लुक रहता है कार का। भाई अगर कार के साइड में आते हैं तो भाई ये है किस सेगमेंट की? कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की कार है। इसके आप अगर कंपैरिजन की बात करें तो भाई डिजायर और ये सब आते हैं इसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप सेफ्टी की बात करते हैं तो टाटा ही निकल कर आता है बाहर। तो जो लोग ना डिजायर पर या फिर ऑरा पर, सेफ्टी, इन सब की वजह से नहीं जाना चाहते ना, वो लोग टाटा पर आते हैं। टाटा पर लोगों का भरोसा ही रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा। बाकी अगर इसकी मैं बात करता हूँ लेंथ की, तो भाई 4 meter के अंदर अंदर आ जाती है। 3993 mm हमें इसकी लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। भाई अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ तो 1532 mm व्हील बेस। भाई अंदर स्पेस बहुत है, कहीं से कोई कमी नहीं है। इसका व्हील बेस हमें 2450 mm। भाई ग्राउंड क्लियरेंस है ही क्या यार, कार है सेडान सेगमेंट, कॉम्पैक्ट सेडान, तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। इसमें हमें अप्रोक्सीमेट अब लगभग 165 mm का हमें इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो टाटा की हर कार में, आप चाहे हैरियर ले लो, कुछ भी ले लो, किसी भी कलर की आप कार ले लो, लेकिन जो ORVM आपको देखने के लिए मिलेंगे हमेशा ग्लॉसी ब्लैक में आपको ORVM देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं A पिलर की बात करता हूँ बॉडी कलर, B पिलर हमें ब्लैक आउट देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी लोअर गार्निश इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर देख के आप समझ ही गए होंगे, पुश बटन स्टार्ट कार है। हमें कीलेस एंट्री इस कार में देखने के लिए मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से रहता है साइड का सीन। बाकी अगर कार के रियर साइड में चलते हैं तो रियर से कुछ इस तरह का सीन हमें देखने के लिए मिलता है। आप अगर बात करते हैं किसी भी टाटा की कार की, जैसे मारुति की कोई सीएनजी कार लेते हैं तो SCNG वेरिएंट हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ना मारुति ने जो पेटेंट कर रखा है SCNG का, वहीं टाटा ने ICNG का, आई इसका मिट गया भाई, ICNG टेक्नोलॉजी हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाती है। वहीं आप रियर में देखेंगे तो 2 point हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, बाकी यहाँ पर टियागोर और टाटा की बैजिंग हमें यहाँ पर लोगो देखने के लिए मिल जाता है। टेल लाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें टेल लाइट का कुछ यूनिट देखने के लिए मिलती है, डिफ्यूज फॉर्म में LED। हैलोजन में यहाँ पर इंडिकेटर हमें देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी रिवर्स लाइट केवल हमें इस साइड देखने के लिए मिलती है, इस साइड में हमें रिवर्स लाइट देखने के लिए नहीं मिलती है। बाकी आप कुछ देखेंगे ना यहाँ पर क्रोम एसेंट काफी बढ़िया लगता है, क्योंकि लुक को काफी हद तक एनहांस कर देता है। अगर आप इससे ऊपर के वेरिएंट में जाते हैं तो हमें यहाँ पर कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो प्लेस यहाँ पर आपको ये छूटा हुआ दिख रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कीलेस एंट्री है ना, तो डिग्गी में भी मिलेगी। तो ये देखिए रिक्वेस्ट सेंसर हमें यहाँ पर मिल जाता है, और बाकी हम बूट को यहाँ से इसे पुश करके इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या ही करना, क्योंकि बूट तो भाई CNG किट लगते ही खत्म हो जाता है, तो कुछ खास बूट स्पेस नहीं बचता है। क्योंकि वैसे आप देखेंगे ना इसमें काफी हद तक स्पेस यहाँ पर मिल जाता है हमें। यहाँ पर आप अच्छे खासे पिट्ठू बैग टाइप के आते हैं ना, वो आराम से रख सकते हैं। बाकी आप हैचबैक लेते हो तो बिल्कुल पूरी तरह से बूट खत्म हो जाता है, लेकिन इस कार में आपको काफी हद तक बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पर देखें भाई, ये तो क्या ही कहने, ऑरा ले लो, डिजायर ले लो, कुछ भी ले लो, ये फट्टा बहुत महंगा है, सब कंपनीज के लिए ये कवर नहीं करेंगे भाई वो लोग, तो ये अलग ही सीन रहता है यहाँ का। तो पहले तो कुछ इस तरह का सीन था इसका, इसे बंद करते हैं। और बाकी अगर मैं इधर फ्यूल लिट की तरफ आता हूँ, पहले फ्यूल लिट को ओपन कर लेते हैं। फ्यूल लिट को ओपन करते हैं भाई, और ओपन यहाँ से ये रहा अपना। अगर भाई मैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करता हूँ, CNG हमारी यहीं से डलेगी, यहाँ पर हमें CNG का मिल जाता है ये ऑप्शन इस तरह से। भाई ये सबसे बढ़िया लगता है, आप मारुति डिजायर लेते हो ना, अलग से यहाँ पर दे दिया जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है, इसमें अंदर ही बंद मिल जाता है। बाकी 60 liter की कैपेसिटी हमें CNG की देखने के लिए मिल जाती है। मैं ये सेफ्टी स्विच हो गया, जब तक ये बंद नहीं होगा कार स्टार्ट नहीं होगी। चलिए इसे बंद करते हैं। बाकी केवल पेट्रोल में आती है CNG, तो वैसे ही है, डीजल में तो वैसे भी नहीं आती है। और अगर हम ऊपर बात करते हैं यार, कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की कार है, वॉशर यूनिट वाइपर तो वैसे ही नहीं आते हैं इन कार में, तो यहाँ पर हमें लेकिन डिफॉगर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी वोकल फॉर लोकल की बैजिंग यहाँ पर, और CNG की बैजिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी बढ़िया बात आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड स्पॉयलर टाइप देखने के लिए मिल जाता है। बाकी एक रेगुलर एंटीना भी हमें इस कार में देखने के लिए मिलता है। चलिए अब कार के अंदर चलते हैं। कुछ इस तरह से था 360 view। अगर हाँ भाई, टायर की बात तो रही गई, इसमें हमें अलॉय व्हील देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एग्जेट वेरिएंट है, एग्जेट प्लस में आप जाएंगे ना तो उसमें भी अलॉय व्हील तो उसमें भी नहीं आते,
स्टाइलिश अलॉय, मतलब भाई उतने व्हील कवर के साथ देखने के लिए मिलते हैं। अगर लेकिन टायर सेक्शन की बात करता हूँ तो 175/65R14 इंचेस के टायर हमें इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, ब्लैक कवर के, हम ब्लैक कलर के अपने व्हील और ऊपर से व्हील कवर के साथ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए कार के अंदर चलते हैं। कार के अंदर चलने से पहले कार की कुछ इस तरह की हमें देखने के लिए मिल जाती है। ये अपना लॉक हो गया, अनलॉक हो गया, इसे प्रेस करके रखेंगे तो बूट ओपन हो जाता है। चलिए कार के अंदर बढ़ते हैं अब अपने लोग। यहाँ से इस तरह से इसे ओपन करते हैं भाई, ड्राइवर साइड गेट। अगर ड्राइवर साइड गेट की बात करता हूँ, डुअल टोन में हमें ड्राइवर साइड गेट देखने के लिए मिल जाता है, ब्लैक कलर और वेज का कॉम्बिनेशन। वेज हमेशा आपको एक प्रीमियम फील देगा हर जगह पर। यहाँ देखेंगे तो टेक्सचर की फॉर्म हमें देखने के लिए मिल जाती है, बाकी सॉफ्ट टच हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ ऑल फोर पावर विंडोज और ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर गेट में और बात करते हैं तो यहाँ पर एक बॉटल होल्डर, और बाकी ये भाई टाटा की हर कार में बॉटल होल्डर आपको 1 लीटर का नहीं, 0.5 लीटर का ही देखिए, 0.5, मतलब 1 लीटर की 20 रुपए वाली पानी की बॉटल भी यहाँ पर नहीं रख सकते हो। यहाँ पर देखते हैं तो एक स्पीकर हमें देखने के लिए मिल जाता है, ट्विटर हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। अगर ड्राइवर साइड सीट की बात करता हूँ तो भाई सबसे पहले अंडर थाई सपोर्ट, वैसे तो देखने में ही बढ़िया लग रहा है, अगर मैं देखता हूँ तो ठीक है, रिक्लाइन एंगल सेट करने के लिए मिल जाता है, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पर, और हेडरेस्ट हमारे दोनों एडजस्टेबल हैं। चलिए अब कार के अंदर बैठते हैं। भाई अंदर आते ही सबसे पहले देखते हैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, जैसे हमेशा अपने लोग चेक करते हैं, तो स्टीयरिंग टिल्टेड तो है ही और टेलीस्कोपिक नहीं भाई, ओनली टिल्टेड एडजस्टमेंट हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप स्टीयरिंग पे देखेंगे तो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इस साइड कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल प्लेन है। बाकी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है देखने के लिए, टाटा का लोगो, और भाई हॉर्न ठीक बढ़िया है, ऐसा नहीं है छोटा सा दे दिया हो पुंग पुंग टाइप का। बाकी इधर देखते हैं तो एसी वेंट के चारों तरफ यार ग्लॉसी ब्लैक और साथ में क्रोम, बहुत बढ़िया फिनिश दी हुई है, काफी अच्छी भी लगती है। अगर मैं सेंट्रल में आता हूँ तो कोई भी आपको इंफोटेनमेंट मतलब टच स्क्रीन नहीं मिलता है, तो टच एक तरह से एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कापरे वाला जो टच आता है ना वो नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको वॉइस कॉलिंग फीचर हो गए, ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी, ये सब चीजें ये सपोर्ट करता है, बढ़िया लगता है। बस सही है, छोटी कार है, वैसे भी इसमें कैमरे की इतनी नीड नहीं होती, लेकिन हाँ आप बाहर जाते हैं तो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कापरे इन सब चीजों की नीड बढ़ जाती है, वो जरूरी भी हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये अपना टिकटॉक हजार्ड हमें देखने के लिए मिल जाता है, ये इवेंट्स हो गए अपने बीच में, वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्रोम के साथ ग्लॉसी ब्लैक काफी बढ़िया है। ये ना ग्लॉसी ब्लैक हमेशा अच्छा आपको प्रीमियम फील देता है हर जगह पर। ग्लव बॉक्स को ओपन भी स्टाइल में करेंगे, यहाँ से बस पुश करना है इस तरह से, ये अच्छा खासा स्पेस है मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन कूल्ड नहीं है भाई, सादा ही हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, कूल्ड नहीं है। अगर IRVM की बात करते हैं तो भाई डे नाइट के साथ हमें IRVM देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। अगर इधर बात करते हैं भाई टिकट होल्डर, और ये माइक हो गया अपना क्योंकि इसमें वॉइस कॉलिंग फीचर आता है, बाकी इधर कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादा है। और बाकी भाई मैं कह रहा था ना इसमें एक स्पीकर इधर हो गया, एक स्पीकर इधर, दो पीछे होगा और दो ट्विटर यहाँ पर, मतलब 4+2 का सेटअप हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर इधर और बात करते हैं तो भाई आप देखेंगे यहाँ पर ये हमें फॉग लैम्प को ऑन करने के लिए मिल जाता है स्विच, ये अपना सेंट्रल लॉकिंग हो गई, ये CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG कन्वर्ट करने के लिए स्विच, और ये अपना बूट ओपन करने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। बाकी पुश बटन स्टार्ट जो अपना रहता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर विद क्रोम के आउटलाइन के साथ भाई बढ़िया लगता है यहाँ पर इस तरह से। एसी का स्विच अपना ये मिल जाता है भाई, यहाँ पर एसी लिखी हुई नहीं मिलती, आप देख रहे हैं स्टाइलिश स्विच दिया जाता है एसी का भी, ऐसा वैसा नहीं है, मैनुअल एसी देखने के लिए मिलता है, ऑटोमेटिक एसी नहीं आता है। यहाँ पर हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है, यहाँ से हम मोड्स चेंज कर सकते हैं इसके। अगर नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे USB के लिए ऑप्शन, बाकी 12 वोल्ट 120 वॉट का सॉकेट हमें यहाँ पर मिल जाता है। बाकी फोन वोन रखने के लिए प्लेस कुछ इस जगह पर, बाकी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का गियरबॉक्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बीच में आप देखेंगे दो कप होल्डर हमें देखने के लिए मिलते हैं, भाई कार थोड़ी गंदी हो रही है उसको थोड़ा माइंड मत करना भाई, इस तरह का ये। बाकी यहाँ पर देखते हैं तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट ही और मिल जाता है, वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि भाई पीछे वाले लोगों के लिए फोन वोन चार्ज करने के लिए हमें यहाँ से ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। चलिए तो कुछ इस तरह का था सीन। हाँ भाई MID तो रही गई अपनी, लेकिन MID से पहले इस साइड हमारी ये हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और इस साइड में हमें वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर MID की बात करता हूँ तो आप देख भी पा रहे होंगे क्लियर CNG लिखा हुआ है, ये अपना CNG गेज हो गया, मतलब CNG का फ्यूल चेक करना, ये पेट्रोल का यहाँ पर मिल जाता है हमें।
ये अपना टैगोमीटर हो गया, और बीच में डिजिटल फॉर्म में अपना स्पीडोमीटर चलता है। बाकी ट्रिप ए बी सी सब यहाँ पर ऑर्डर टाइम, और यहाँ पर गेट बेट कोई ओपन है कुछ भी है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। कुछ इस तरह से रहता है कार का इंटीरियर आगे का। चलिए पीछे चलते हैं, पीछे से देखते हैं कार को, पीछे कैसा सीन हमें देखने के लिए मिलता है। भाई पीछे का गेट, आप हमेशा से गेट ओपन करते हैं ना, मैं बोलता ही हूँ टाटा की कार्स में, मतलब ये जो शार्पनेस आती है गेट्स के निकल के बहुत बड़ी, मतलब गेट ऐसा लगता है ना बिल्कुल बाहर की तरफ चला गया, बहुत शार्प रहता है गेट यहाँ पर। भाई पीछे का भी डोर हमारा डुअल टोन में रहता है। बाकी यहाँ पर जो एक अलग से मतलब एक्स्ट्रा फीचर, भाई आगे हाफ लीटर का बॉटल होल्डर था, बस यहाँ पर आपको एक लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता अगर, और यहाँ पर देख सकते हैं पॉप अप विंडो के स्विचेस हमें मिल जाते हैं। बाकी कोई भी डोर हैंडल क्रोम में नहीं है, सादा ब्लैक में डोर हैंडल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं पीछे सीट्स की बात करता हूँ सीट की, तो भाई फिक्स्ड हेडरेस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अंडर थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट है। अगर अंदर बैठते हैं कार में, भाई लेगरूम भी बढ़िया है कार में, चला के लाया हूँ सीट मेरी अकॉर्डिंग थी, मैंने थोड़ा पीछे ही कर ली थी, उसके बावजूद भी सही स्पेस है, मतलब बढ़िया लेगरूम में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो बीच में हमें यहाँ पर एक केबिन लाइट देखने के लिए मिल जाती है, बाकी आगे कोई भी केबिन लाइट हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर मैं बीच में हम्प की बात करता हूँ तो हमें ठीक ठाक हम्प देखने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है हम बिल्कुल ख़त्म है, हम कुछ ना कुछ तो हम देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल ख़त्म हम हमें इसने देखने के लिए नहीं, आप सोचो है ही नहीं, बीच में बैठने वाले को दिक्कत होने वाली है। बाकी रेयर में कोई भी एसी वेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर, रेयर के लिए बस जो मैंने आगे से बताया था, यहाँ से चार्जिंग सॉकेट है, इसका यूज़ करके बस हम फोन वोन को चार्ज कर सकते हैं। अगर बीच में मैं आर्म रेस्ट की बात करता हूँ तो हाँ भाई बिल्कुल आर्म रेस्ट हमें इसमें कार में देखने के लिए मिल जाता है इस तरह से भाई, और इसमें दो कप होल्डर भी देखने के लिए मिल जाते हैं आर्म रेस्ट में, बढ़िया सीन हो जाता है। तो कुछ इस तरह से था कार का इंटीरियर। चलिए बाहर चलते हैं, इंजन स्पेसिफिक और सेफ्टी फीचर, और भाई सबसे मेन प्राइस की भी बात कर लेते हैं। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूं, टाटा की कार कोई लेता ही क्यों, क्योंकि भाई सेफ्टी बहुत ज्यादा, भाई लोहा बिल्कुल देखने के लिए मिलता है। भाई अगर मैं इसकी सेफ्टी की बात करता हूं, भाई जी एन कैप के थ्रू ये 4-स्टार रेटेड कार है भाई, बहुत बढ़िया, मतलब आप टाटा के पास जाते ही इसीलिए हो क्योंकि वहां पर आपको सेफ्टी मिलती है। भाई अगर मैं इसमें और सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूं तो इसमें आपको ABS पे DVD और ब्रेक असिस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। इस कार में मैं इंजन ऑप्शंस की बात करता हूं, भाई इंजन ऑप्शन क्या है इसके इंजन की, तो इसमें हमें 1200cc का 3-सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है, बायफ्यूल इंजन है क्योंकि CNG है ही कार भाई, जो कि हमें 72 BHP की पावर और 95 Nm का टॉर्क निकाल के देते हैं। भाई अगर भाई मैं इसकी माइलेज की बात करूं, पता है 26.4 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है। कार के मैं प्राइस की बात करता हूं तो भाई इसका एक्स शोरूम प्राइस है 8 लाख, भाई 8,04,000 करीब 8 लाख, जो कि ऑन रोड आते आते करीब 9.25 लाख रुपए की हमें ये यूपी के बरेली सिटी में पड़ती है। तो कुछ इस तरह से थी अपनी कार। तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।